हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर उसको एरे कैसे क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाते हैं। आज हमें डाटा फ्रेम को काफ़ी सारे वेज हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है डाटा फ्रेम। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जो फंक्शंस होता है डाटा डॉट फ्रेम। इस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं क्रिएट न्यू डाटा फ्रेम्स, या कोई डाटा आपने गूगल से लिया या अदर किसी भी वेबसाइट से लिया, कहीं से भी डाउनलोड करके, और उसको हम किस वे से कन्वर्ट कर सकते हैं हमें जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग हम किसी भी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे किसी भी इकोनॉमिक्स की फील्ड में आप जाइए तो आपको डाटा दिया जाएगा, स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है उसको अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको डाटा दिया जाएगा। तो उस डाटा का कि जितने भी रोज एंड कॉलम होता है उस सबको हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें से किसी एक कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। हम लोग पहले अब आगे स्टूडियो पे आ गए और यहाँ पर हम लोग डाटा फ्रेम की बात करें। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक किस तरह से डाटा फ्रेम होता है, लॉजिकल यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। डाटा होगा जिसके अंदर फर्स्ट हम सैंपल, अच्छा ये फंक्शंस है तो इस दिया हुआ है सैंपल ब्रैकेट स्टार्ट सी, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लॉजिक के अंदर क्या होता है ट्रू कॉमा फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर कॉमा देना है, साइज की बात करनी है, किस साइज के लिए चाहिए, हम 10 रखते हैं 10, और क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस हमें करना है ट्रू। इस लॉजिक को क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट डाटा है। यहाँ पर आप क्लिक कर दो, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, सैंपल ठीक है ट्रू फॉल्स साइज की गई थी, सॉरी सर, यहाँ पर ये ऐसा ये सील किया है तो इस साइज को सही करना होगा। हमने ये मिस्टेक किया था, प्लीज अब आप भी आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, कैपिटल और स्मॉल का हो सकता है। सेकेंड आ गया माई लॉजिक, सेकेंड में आ गए माई लॉजिक के बाद हम देखें माई न्यूमेरिक नोट्स
जो वैल्यू है 10, ये आपकी मेमोरी वैल्यू है। थर्ड में जो डाटा है कैरेक्टर्स की डाटा है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करेंगे और जो कैरेक्टर ले रहे हैं ये सेकंड वैल्यू बनेंगे, कॉमा फिर से इन्वर्टेड कॉमा ये अगेन कॉमा फिर से इन्वर्टेड कॉमा बी कॉमा फिर से इन्वर्टेड कॉमा एक ब्रैकेट सेकेंड यहाँ पे ब्रैकेट हमें देना है इसकी साइज 10 लिया था 10 कॉमा और रिप्लेस की जो भी करना है रिप्लेस करना है कुछ मिस्टेक है कैरेक्टर्स में हमने कैरेक्टर्स में साइज कैरेक्टर कैपिटल नहीं किया था साइज क्या यहाँ पर मैं देखता हूँ शायद हो सकता है सी एम कैरेक्टर ये तो सही है ये भी तो सही है साइज हम कैन दिया रिप्लेस और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया ओह सॉरी यहाँ पर हमने स्टार्ट तो कर दिया था फंक्शन को लिखा ही नहीं था ठीक है ये आप लिखिए एक्सेप्ट कर लिया इसने फिर अब नीचे माई डाटा डाटा फ्रेम डाटा फ्रेम डाटा फ्रेम माई न्यूमेरिक कॉमा माय कैरेक्टर्स और इस पे क्लिक कर दीजिए सॉरी अगर हम नहीं भी लेते हैं तो अभी चलेगा देखेंगे सही अभी भी डाटा और माई डाटा फिर को कंट्रोल और सी नीचे लिखी कंट्रोल और एंटर